अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खलील के सफ़र में आप भी मेरे हम सफ़र बनिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत लोकसभा इलेक्शन 2024 से शुरू करेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के हम लोग पोलिंग स्टेशन चले गए थे। हम लोग रात में ही डिसाइड करके रख लिए थे कि अर्ली मॉर्निंग ही जाएंगे पोलिंग स्टेशन, क्यों बोले तो दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप होती है। बल्कि पोलिंग स्टेशन हमारे घर के पास में ही था। हम लोग अराउंड 7:15 को वहाँ पर पहुँच गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोटिंग का प्रोसेस कंप्लीट करके 7:30 तक वापस होने के लिए निकल गए थे हम लोग। हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि ये इलेक्शन में वही जीते जो हमारे लिए और हमारे देश के लिए सही सोचे और हम सबको जो है लेकर चले। और ये भी दुआ करेंगे ऊपर वाले से वो कभी ना जीते जो मज़हब के नाम पे जो है हम सब हिंदुस्तानियों को एक दूसरे के साथ लड़वा रहे हैं। थोड़ा सा फॉर्मल साउंड कर रहा हूँ, क्या करेंगे, इस टॉपिक पे हम कैजुअल नहीं ले सकते ना कैजुअल बात कर सकते हैं। इस बार इलेक्शन के लिए हम लोग सारे लोग जो है बहुत एक्साइटेड थे। ध्रुव राठी के वीडियोस देख के हम लोग इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी जो है वोटिंग नहीं डालते हैं वो कंपलसरी वोट डालिए। अभी नहीं डाले तो जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है जब भी आपके पास इलेक्शंस होते हैं तब ज़रूर डालिए वोट्स। जैसे मैं बोला, वोट तो डालना ज़रूरी है, ज़रूरी ये भी है कि सही कैंडिडेट को जो है हम सेलेक्ट करें। जैसे सबको मालूम है बच्चों के हॉलीडेज चल रहे हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे घूमने के लिए, बट मैं रोक के रखा था उन लोगों को, इलेक्शंस हो जाने दो उसके बाद ही हम लोग कहीं पर जाएंगे घूमने के लिए। बल्कि तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कहां पर जाएंगे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, धूप इतनी ज़्यादा हो रही है दोपहर में। तो हम लोग सोचे अर्ली मॉर्निंग ओल्ड सिटी जाएंगे, सुबह सुबह मक्का मस्जिद में जो है बहुत खूबसूरत लगेगा। बल्कि हम लोग 7:30 के करीब हम लोग ओल्ड सिटी पहुँचे। वहाँ का बहुत फेमस नायाब होटल है, ये हम लोग बहुत बार सुने, बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे इसकी तारीफ सुने, बट कभी विज़िट नहीं कर रहे थे। हम लोग का इरादा था कि नायाब में हम लोग जाके नाश्ता करेंगे बोल के, तो वही डिसाइड कर लेके हम लोग वहाँ पर गए थे। नायाब पहुंचने के बाद यहाँ का मेन्यू देख के थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे हम लोग कि क्या नाश्ते में हम लोग खाएंगे बोल के। तो यहाँ का फेमस मुझे जहाँ तक मालूम है भेजा फ्राई है बोल के, तो हम लोग जो है पेपर भेजा फ्राई यानी कि काली मिर्ची का भेजा फ्राई लिए थे और तंदूर की रोटी लिए थे। बच्चे बोल रहे थे कि यहाँ की नहारी खाएँगे हम बोल के, तो बच्चों के लिए मैं नहारी ऑर्डर करा और हमारे लिए जो है भेजा फ्राई ऑर्डर करा था। वाकई सोशल मीडिया पे जितनी तारीफ थी वैसे ही टेस्ट भी था इसका, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। सबसे ज़्यादा मुझे भेजा फ्राई दिखा, बहुत ही ज़्यादा लजीज था। इसके साथ कॉम्बिनेशन में तंदूर की रोटी बहुत ही ज़्यादा मज़े की दिख रही थी। नहारी भी मेरे को बहुत अच्छी लगी, बच्चों के हिसाब से थोड़ी सी स्पाइसी दिखी। मेरा इरादा भाजी गुड़दा भी ट्राई करने का था, बट क्या करेंगे ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो ऑर्डर करेंगे। जो भी नॉन वेजिटेरियन मेरे फ्रेंड्स है, जिसको भी कुछ नया ट्राई करना है जैसे कि भेजा फ्राई गुड़दा ऐसे कुछ ट्राई करना है, तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि नायाब आप ज़रूर विज़िट करिए। चाय के बारे में क्या बोलूँ, मैं नीलोफर की चाय ट्राई करा, लिमरा की भी चाय ट्राई करा, बट यहाँ की चाय मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखी। अगर आप ओल्ड सिटी जा रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करिए नायाब होटल, चत्ता बाज़ार के पास में है, मदीना के अपोजिट में आपको आता है ये।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा मज़े का हुआ। हम लोग वहाँ से चारमीनार के लिए रवाना हुए। मैं हैदराबाद का होते हुए चारमीनार में काफ़ी टाइम वहाँ पर विज़िट कर चुका हूँ, बट आज का जो है ट्रिप बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वजह यही थी कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग गए थे, पब्लिक इतनी कम थी। मदीना से गुलजार हाउस से चारमीनार का सफ़र बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आपको चारमीनार विज़िट करना है तो आपका इंटेंशन अगर शॉपिंग का है तो आप जो है इवनिंग जाइए, या आप चारमीनार को देखना है, आप हिस्टोरिकल प्लेस को जो है देखना पसंद करते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग जाइए चारमीनार और मक्का मस्जिद। वाकई ये सुबह का जो है मंज़र चारमीनार का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अर्ली मॉर्निंग अगर आप चारमीनार विज़िट कर रहे हो तो एक और एक फ़ायदा है, आप आपकी व्हीकल में यहाँ तक जा सकते हो। मैं देखा ऑटोज़ भी जा रहे थे, कार भी जा रहे थे और टू व्हीलर्स भी जा रहे थे। मैं मेरी गाड़ी लिमरा के सामने जो है गाड़ी पार्क करा। पार्क करने के बाद हम लोग एक अच्छा सा राउंड लिए चारमीनार का, फिर हम लोग गुलजार हाउस की तरफ निकले। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर फ़ोटोशूट्स कर रहे थे, यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग के जो है दुकाना खुलने के लिए तैयार हो रहे थे। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, ऐसा ट्रिप चारमीनार का ये बहुत ही ज़्यादा अलग था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। जनरली जब भी हम चारमीनार जाते हैं तो आफ्टरनून या इवनिंग जाते हैं और इंटेंशन यही रहता है कि शॉपिंग के लिए जाते हैं हम लोग, कभी सुकून से चारमीनार जाएं, सुकून से चारमीनार को देखें, डिफरेंट प्लेसेस से चारमीनार के जो है दीदार करें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं बार बार यही वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा था बोल के। वाकई ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था चारमीनार का, इतना सुकून और इतना खूबसूरत नज़ारे जो है मैं पहली बार महसूस करा। बच्चे जब ये छोटी सी स्टॉल देखे बहुत एक्साइटेड थे, डिफरेंट शेप्स के इयररिंग्स थे वहाँ पर तो ये लोग लेना चाह रहे थे तो ये लोग ले लिए इयररिंग्स। तो हम लोग यहीं पर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बैठे थे, जनरली दुकानों के सामने जो है बैठ नहीं सकते और पब्लिक इतनी ज़्यादा होती है जब भी हम जाते हैं। तो अब ये टाइम पर हम जाके यहीं पर देखे आराम से बैठे थे हम लोग, हाफ एन आवर तक बैठे, बैठ के बहुत अच्छे से जो है एंजॉय करें, यहाँ से जो है लोगों को ऑब्ज़र्व करें किस तरह से लोग आ रहे थे और फ़ोटोज़ ले रहे थे और चारमीनार को जो है एंजॉय कर रहे थे। वो सारी चीज़ें जो है देखने में बहुत नया एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल खलील के सफ़र को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और वीडियो कम्प्लीट देखिए फ्रेंड्स।
और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना था फ्रेंड्स, देखिए मेरे फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, मेरे रिलेटिव्स बहुत सारे हैं, बट मैं जब चाहा यूट्यूब चैनल बनाऊंगा बोल के बहुत सारे लोग मुझे इनक्रेज करे और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करे कि बनाओ बोल के, जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ आप लोग कंप्लीट नहीं देख रहे हैं, लाइक्स नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स भी नहीं कर रहे हैं, बस जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे चाहने वाले हैं वो लोग जो है कंप्लीट वीडियो देखिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, काफ़ी है। नए लोगों से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बस आप लोग जो है मुझे मोटिवेट करोगे तो जो है इंशाल्लाह और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं बनाऊँगा। चार मीनार से हम लोग मक्का मस्जिद गए थे, मक्का मस्जिद से हम लोग सालार जंग म्यूज़ियम गए थे, वो इंशाल्लाह आगे के वीडियोस में आप लोगों से शेयर करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जज़ाकल्ला।